आज जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है जी अनबॉक्सिंग के लिए, ये है JBL बाय हरमान की ट्यून 10 है और ट्रू वायरलेस स्टीरियो एयरबड्स है ये। और इसकी डिटेल जो है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको कि बैटरी कैपेसिटी जो है पावर बैंक की वो 1800 mAh है और इसके जो एयरबड्स है उनकी कैपेसिटी इन्होंने लिखी हुई है 40 mAh। और 1800 mAh की बैटरी का मतलब ये है कि ठीक ठाक इसकी टाइमिंग है। और चार्जिंग टाइम जो लिखा हुआ है पावर बैंक का वो तकरीबन 2 आवर लिखा हुआ है इन्होंने। और आप, मेरा मशवरा यही है आपको कि 1.5 आवर से ज़्यादा, 1 आवर से ज़्यादा इसको चार्ज मत कीजिए। देखते हैं इसमें क्या है जी। और इसकी पैकिंग को जब हमने खोला है तो जी, एक तो टिपिकल वही मैनुअल बुक, मैनुअल पेपर एक छोटा सा बुक्सा डाला हुआ है इन्होंने और उसके साथ जो है वो चार्जिंग केबल है इसकी। और ये इसका मेन पावर बैंक है जी। और पावर बैंक का मैं आपको बता दूं कि ये 2-in-1 है। एक तो ये आपके एयरबड्स को चार्ज करेगा, उसके साथ साथ एज अ पावर बैंक भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट USB को प्लग करना है आपने और उसके बाद आप अपना मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं या कोई भी डिवाइस जो USB कनेक्टर को सपोर्ट करती है वो आप लगा के उसको चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये USB है, USB के लिए है और उसके साथ साथ वो इसको चार्ज करना है पावर बैंक को, उसके लिए कनेक्टर है। तो दोनों कनेक्टर बिल्कुल साथ साथ है जी। और पैकिंग तो अच्छी लग रही है और बैटरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैटरी टाइमिंग इसकी काफी अच्छी है और मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी जो कॉल टाइमिंग है वो 3 से 4 आवर लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन होपफुली मिनिमम भी ये करेगी तो 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तो ये आराम से कॉल टाइमिंग इसकी है अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं तो। और इसको जब आप इसको ये देखें, अभी जैसे मैंने इसको निकाला है तो ये ऑटो पेयरिंग पे चले जाएंगे। जब ये दोनों एयरबड्स आपस में पेयर हो जाए अच्छी तरह तो उसके बाद फिर आपने जिस भी डिवाइस के साथ इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, चाहे वो एंड्रॉयड की है चाहे वो iOS की है, तो आप उसके साथ इसको पेयर करके यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को आपस में पेयर करना जरूरी है अगर आप दोनों इकट्ठे एक ही वक्त में यूज करना चाहते हैं तो। इसका बैटरी मीटर है और क्योंकि यहाँ पे रोशनी ज्यादा है तो आपको हो सकता है कि जरा कम नजर आएगा, लेकिन बैटरी मीटर इसका बकायदा आपको डिस्प्ले देता है कि बर्ड्स की जो है वो बैटरी कितनी है और जब ये चार्ज करता है तो मीटर शो करता है। इवन आपके मोबाइल में भी, जब आप इसको पेयर करेंगे मोबाइल के साथ तो मोबाइल में भी इसकी बैटरी मीटर जो है वो आपको शो करेगा कि आपकी बैटरी कितनी है, बैटरी कितनी चार्ज हो गई है या चार्ज रहती है अभी बाकी, आप उसको उस हिसाब से अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मेरा मशवरा तो यही है कि ये मैनुअल को आप फेंकिएगा नहीं, आप संभाल के रखें, कभी फिर भी जरूरत पड़ जाती है। मोस्टली क्योंकि लोग यूज करते रहते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी चीज में बंदा स्टक हो जाए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इससे। मेरा ख्याल है कि आपको पसंद आएगा इस्तेमाल करके, क्योंकि मुझे क्वालिटी इसकी अच्छी लगी है और साउंड भी मैंने इसका चेक किया है तो मैं तो मुतमईन हूँ इस प्रोडक्ट से। मुझे कम से कम ये 2-in-1 की वजह से ज्यादा पसंद आया और इसका जो साउंड का रिजल्ट है और बैटरी जो 1800 mAh की मैंने देखी है, ये 2-3 चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी है इस प्रोडक्ट में। और अगर फिर भी आप इसके रिलेटेड किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जस्ट हमारी वेबसाइट का विजिट करना है आपने, hstpakistan.com पे जाएं, वहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन होगा, व्हाट्सएप पे भी आप बात कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप लाइव चैट पे हेल्पलाइन पे भी टेक्स्ट चैट करके आप पूछ सकते हैं किसी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको।
مزید انفارمیشن آپ کو اگر اس پروڈکٹ کی چاہیے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس لنک پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کو ساری انفارمیشن اس کے متعلق مل جائے گی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی اور بھی ضرورت ہو، کسی بھی بات کا پوچھنا ہو، آپ نے لائیو چیٹ کے آپشن کو یوز کریں، وہاں پہ آپ ہیلپ لائن پہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کو تو اس پروڈکٹ کا لنک جو ہے خریدنے کے لیے وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ڈائریکٹ اس لنک پہ بھی جا کے اس کو خرید سکتے ہیں۔